भैया आज के जो भी लोग तने अलग हुए और है तुमसे मान लो भैया कि तुम पूरे दिन एक रिक्शा पे रहो पूरे दिन और रिक्शा पे तुम्हें कुछ नहीं करना कि बैठो रहने पूरे दिन जहाँ जहाँ रिक्शा जे जहाँ रिक्शा वाले की मतलब जी को रिक्शा है उसकी सवारी ने वो अपने हिसाब से रिक्शा चलाए लेकिन संगे बस कहा है तुम्हें बैठो रहने बस तो उन्हें कहा ये पूरे दिन मतलब कैसा लगे अपना पूरे दिन मतलब रिक्शा पे बैठे रहे अपन झूलत रहे मतलब हर जगह जहाँ रिक्शा जा रहा होता है बस बैठे बस रहे तो कैसा लगे तो वही देखने के लाने आज हम अपने पुष्पेंद्र की रिक्शा पे बैठ के जा रहे हैं और हमें करने का है केवल हमें पुष्पेंद्र की रिक्शा पे आगे बगल में पुष्पेंद्र की बैठो आने बस और करने का छू नहीं है बैठो बस आने पूरे दिन आने हैं जो एक्सपीरियंस दिखने के कैसे एक्सपीरियंस रहते पूरे दिन बैठे आने तो भैया रहो अगर चैनल पर पहली बार आए हो वीडियो चैनल पर पहली बार दिखा है तुम तो चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो करना लाइक भैया रहो अबे क्या बज रहा है लगभग अबे क्या पुष्पेंद्र 8:30 बज गए नहीं अबे 8:30 बज गया सुबह की और जो 8:30 बजे निकले हैं और जो चलाओ थे रिक्शा 10 बजे रात तक तो हमें आज पूरे दिन 10 बजे रात तक इनके संग रिक्शा पर आना है जो देखने के शाम तक रात तक हम रुक रिक्शा पर बैठे हमें कैसा लगा लास्ट में हमें कैसी हालत हो रही है देखना चलो भैया ब्लॉग हमें पूरा देखना है और वीडियो पसंद आया तो वीडियो में लाइक करना और कमेंट भी करना है और राजा रे अरे कशु नहीं है अब राजा की स्थिति हो गया तो सुबह से निकाया ना बिजार नागा से निकले हम हैं देखो बिजार नागा पे काफ़ी भीड़ है अभी तो लोग भैया जितना लंबे हो सका थे कोशिश करने हैं देखने हैं चाहे भली अगर टाइम ना हो तो फ्री टाइम में देख लेगी लेकिन देखिए जरूर पूरा भैया देखो ये बिजार नागा पे आ गए हैं अपन और बीच में हम ये मतलब लगभग 10-12 मिनट के लगभग में पूरा ख़त्म कर दें ब्लॉक के लाने ज़्यादा लंबा ब्लॉक ना बना भी उस पर ना सवारी नहीं मिली है तो चीज़ धीरे 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 और ये चक्कर में ब्लॉक के चक्कर में छता पर कोई पूरा सफर हो जाए हमारे हिसाब से कहा कि रिक्शा तो हर जगह जाने अब जैसे सवारी बोले वो तो जाना पुष्प ना तो हमें कहा हमें तो बस बैठो आने भैया और जो भी देखने का एक रिक्शा वाला पूरे दिन बैठ के कैसे का कर रहे थे कैसे सवाई बैठा कैसे मतलब का फेस कर वो है चीज़ वो हर चीज़ देखें अपन आज रिक्शा मतलब इस ब्लॉग में अगर हम डाक खाना घोड़ा चौक अब इधर से जा रहे हैं पुष्पेंद्र स्टैंड का है स्टैंड से सवारी मिल जाती है अभी हर जगह के लाने चारों तरफ के लाने सवारी मिलती है पहले नंबर पुष्पेंद्र को काम है पुष्पेंद्र से पूछिए हमने पुष्पेंद्र बताया कि सबसे पहले सुबह से आउट हैं तो सीधे स्टैंड जाते बस स्टैंड पर कहा उन्हें हर जगह की सवारी मिल जाती है भैया हमें तो गन्ना के जूस मिल रहा है जो अपना सरकारी अस्पताल है बड़ा अस्पताल कभी कर रहे जूस पे बना वाला है पुष्पेंद्र को देखो अपना सरकारी अस्पताल बड़ा एक दिन ईगो भी ब्लॉक बनाया पूरा ब्लॉक बनाए ईगो मतलब हर चीज़ बताई है अस्पताल के बारे में पूरा हर चीज़ घुमाई है के बारे में भैया वीडियो हम पूरा देखने हैं सब रखा रहना है देखने हैं कहा है नए नए ब्लॉगर हैं हमें तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है बना कर सबका बोल रहे हैं कैसा है जी पहले खुश करने का देख रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं कहा है कि बुंदेलखंड में कोई ब्लॉग नहीं बनाऊ दिल्ली में और अपने छता पर मैं तो वैसे भी कोई बनाऊ दिल्ली में तो हमें मतलब हमने शुरू कर दिया कि अपना छता पर हमें हर एक चीज़ को ब्लॉग डालना है जितने भी इधर हर चीज़ को हर एक कोने कोने को छता पर हर एक चीज़ को दिखाना है ब्लॉग भैया हम वीडियो पसंद करना शेयर करना है दोस्तों चाहली भी देखें बस फ्री टाइम में देखेंगे इतने दिन में वॉच लाऊ कुछ भी कहा उसका समझ को 10 मिनट की वीडियो रहे हमारी देख लेना एक बार बस सपोर्ट करना है देखो भैया पुष्पेंद्र जूस लिया है यस एक गिलास लाओ तो एक गिलास में शायद होने वाला है पुष्पेंद्र बहुत बढ़िया आदमी सही में आया हम सोच रहे थे पुष्पेंद्र का कर रहा हूँ वाह यार मज़ा आओ आप देखो तुम सुन बात बहुत कर रहा है भैया अब दिन भर रिक्शा चलिए दिन भर रिक्शा चलना दिन भर कहा गर्मी बहुत लगने में लग रहा है सुनी अब ऐसे गर्मी मोबाइल ही पकड़ लो बहुत बढ़िया आदमी पुष्पेंद्र जब भी तुम्हें पुष्पेंद्र रिक्शा भले हमें ठीक है समझे बैठो रुपया में बहुत वो कर लिए अभी 20 रुपये जितना कि 20 रुपये लगा ये तुम 10 भी दोगे तो आराम से ले जो ना कि हाँ 20 ही लगना है 10 में ले ले वो बहुत बढ़िया आदमी में भैया पुष्पेंद्र संगे आगे बैठ गए हैं कहा कि पुष्पेंद्र संगे बैठे नहीं बस्सू देखो भैया ये बस्सू जाना अपना देखो जो आप सरकारी अस्पताल जिला अस्पताल अभी बनाऊ नहीं को बोलो एक दना एक दना ही को बोलो डन है अपना शीशा में भी दिखा रहे देखो शीशा में धक्का में दिखा रहे भैया धक्का में देखो जो अपना नर्मदा अस्पताल हॉस्पिटल
आओ जी अपने नर्मदा अस्पताल है, बड़ा अस्पताल, थोड़ी 50 कदम आगे नर्मदा हॉस्पिटल भी है। सिटी गार्ड है, काफी चीजें हैं पर हमें सबको डर है एक दिन ब्लॉग। हां देखो थोड़ी यहां बस तना सपोर्ट करया था, वीडियो पसंद करया था, लाइक जो सिटी गार्ड है। हां देखो थोड़ी चल के आओ आगे 24 हॉस्पिटल भी है, 24 हॉस्पिटल है चीज है। मटका भी मेरे, मटका ले लो भैया। अब बस स्टैंड आवे वाले हैं, अब बस स्टैंड से देखे सवारी भैया, बस पेन मिल जाते हैं सवारी से यहाँ मिल ले। अच्छा रोज को तुम्हारा जो सिस्टम कहा सीधे स्टैंड आउट पे नंबर है। आ नहीं हां पहले डाक खाने से वो तो पता है, पहले मैं बस पहले कहा पहले नंबर डाक खाने जा के और जूस पियो ने गिलास और सीधे स्टैंड। देखो चला बस स्टैंड आ गए हैं, कार रिक्शा रिक्शा है, टैक्सी टैक्सी दे दो हैं। देखो मैं जा स्टैंड पे, बहुत भीड़ भाड़ है स्टैंड पे तो बाबा होटल कुस्कान मैंगो जूस सुनते हैं। तो कब बजे को बंद है सामने नहीं जैस के रहा हूँ पूछे से पूछे सवाल। आ स्टेशन डाक खाना मैं देखा तो देने दे उगा पिछाने का तना हाँ देखो कहाँ आ जाओगे ते चार्ज से चला जो चार्ज से चला चार्ज से बढ़िया चीज है यार है हल्का तो सही है इसे बैठ कर कड़े आओ जाना जाना तो चले जाओ जो चली का हल कर तो ये सब अच्छा है। बस स्टैंड बस स्टैंड स्टैंड देख लो भैया दूसरी नंबर दो स्टैंड है दो नंबर बस स्टैंड देखो जी खड़े तुम्हारे से रिक्शा है अरे दो भज्जी भज्जा खड़े देखो नहीं वाह यार घूमो चाहिए वैसे एक दिन हर चीज को एक्सपीरियंस करो चाहिए रिक्शा पे बैठो एक दिन हम तो कत के पन्ना ना का बस अबे तो नंबर में लो एक मोड़ी है छोड़ के आया बस पे एक सवारी मिल गई थी बस स्टैंड पे उनको पेपर आज कहा था सदा अपना पेपर है ना पीएससी को तो पेपर दे पे गलाना आई थी वो छोड़ता है कहाँ 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 अब हम यहाँ चलाऊँ ने अरे चलो देखो भैया हम भी रिक्शा चला ले रहे हैं हेलो ये कहाँ से चलाया आप हम तो भैया तो बच्चे हैं अगर किस सागर ताल आपके पास इसी के रानी तलैया भैया जी क्या के रानी तलैया भी बोला देखो क्या खूबसूरत है ये तो कहा एक सवारी यार छोड़ के कराने आते जी देखो गजब यार छतर पर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं बस देखे बार बहुत चीज़ें हैं गजब सुंदर 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 भैया 10 बजे बार हैं लगभग लगभग लपट लगन लगी है वैसे अपना तो गमछा बन जाए बस तू तुम नहीं मार रहा नहीं मार अरे मजा भी यार किसो सागर तालाब बब्बा जी खड़े तुझे बब्बा जी मन है अरे सी आराम भैया द रॉयल होटल के पास आ गए हैं एक सवारी छोड़े के लाने और ऐसा कहीं भी लान लगी बहुत तेज जब तक हम भैया बांध रही की लाने बहुत तेज आँखें भी जलन लगी है हालत ऐसी कैसे हो जाए आपको सिक्की से आप कैबे चले गए हैं ऐसा खड़ू है हम तो भैया जब बांध रहे हैं अपनी यह अब ऐसे इतनी बेकार हालत हुई तो कैसे रख सवाई कुछ दिन वहाँ जाएगी आँखें चलन लगी अलग ये तो जो विराज गार्डन है मैं आऊंगी
देख रहे करने तो है भैया वीडियो तो इतने इतने तक लोग आ गए हो तो कोई भी दिख लीजिए, जैसी भी लगे लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार। भैया अब तो हम भैया आपको देखो हीरो हीरा लाल बन गए हैं, अपना गमछा बन गए, चश्मा लग गया, आँखें भी नहीं चले इनमें और कान में लपट भी नहीं लगे कहीं भी लगे लपट लग रही सर कैसे तुम कोई इतने पैसे चले आई मिल लपट में पंखा लगा से पंखा तुम चला लो नहीं सही है पंखा भी जा हो आले हैं अरे का बता साथ की जा छूटती अच्छा ऐसे बजाओ ना कहा गया हमें तो रात का बजाओ ना भी 10 चक्कर लगे ना हमें 10 चक्कर हैं 10 चक्कर तो के स्टेशन के हां 10 पे जाओ ना खा के यदि छोड़ दिया हम गए चले जाओ इधर से जा गुलिया भैया तो ते पछाए आ गए हम तो हवा में बहुत गर्मी लगाई थी यार तो छाया है कम से कम इतने दवा की ऐसी तेजी में ना पता है शाम शाम तक सवाए भी नहीं मिल रही बस पेन के नाम है मुझे भैया मेरे हमें बस स्टैंड जा रहा है इनको देखो हाथ कैसे चला गया भैया आईफोन है हाँ एक मिनट दिखा कैसे कैसे चला गया तेल से अल्लाह मतलब अब हमेशा ऐसी है सही होगा और अच्छा सर्जरी होना नहीं गुटका खा तो पन्ना ना के छोड़ भी आए थे एक सवारी खिलाना जी ये तो नरसिंह धाम मंदिर है हमारी तो यार उसमें नहीं सी किसी हो रही नींद आने लगी है रात में अच्छा हुआ का यार लपट लगी हो बोली यार साल साल तक हमें ओवल जाने था रात में दिक्कत हो गया बड़ी बहन लगी क्या करिए देखो बैठो मैंने थोड़ी बैठे तो नहीं हम तो बना रहे वीडियो लेकिन जाओ ये बच्चे कैसे जा रही हो देखो वाली पैदल भी जा रहे तुम तो यहाँ बैठे हो अरे हम तो बैठे हैं लेकिन फिल्म तो बन गई अब कहा इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आदमी का वीडियो देख रहे ना पूरी अब कहा हुआ लाइक भी ना कर मैं तो सब्सक्राइब भी ना कर मैं जो तो है ये बात नहीं तो जो है अपना अनुराग सिटी सेंटर मॉल आईडी खरे कैसा डाक खाने घोड़ा चौक आ बस स्टैंड आज सवारी तो मिल नहीं आज बस हो गया मिलती है ऐसा ही हो ऐसे हो एक तो रिक्शा देखो तो मेरे कम से कम 1,00,000 रिक्शा करेगा कम से कम नहीं बिल्कुल सही कही तुमने जहन्नुम में जाओ पसंद करें तुम संग जाओ पसंद ना करें नहीं
कत्ती का हम जहन्नम में चले गए तुम संग नहीं है मुल्ली सुल्ली सुन फिर से बस स्टैंड आ गए हैं ये खड़े बस स्टैंड भैया हमारे सवाएं ढूंढ रहे हैं तो बच गए हैं कितने कहां से टाइम निकलने हैं भैया 11:05 हो गए हैं और पूरा दिन ढह हो गए अब जो समझ में नहीं आओ कैसे निकले फिर दिन पूरा हालत खराब हो रही है अच्छा अपने स्टेडियम है अनुराग बता 700 रुपया कहाँ से आया था 100 रुपया नंबर वन स्कूल है आज यहाँ पर स्कूल फॉर एक्सलेंस सदरपुर आज MBBSC का पेपर चल रहा है बस स्टैंड आ गए हैं हम तो जरूरी नहीं पाया तो फिर बस स्टैंड थे वो दवा तो कहीं हो जा रहा भैया 12:05 हो गए हैं सुबह 8:30 पर निकाया थी 12:05 हो गए हैं कितनी देर का धूप तुम देखो तुम मतलब कड़ाके की टेम्परेचर तो जो खतरनाक वहाँ का लेक था देखो ऊपर चढ़ाओ भाई ऊपर चढ़ाओ जान दो जी बना रन दो तक बताओ दम भेज प्लस जान बताओ अपना स्टेडियम है शाम तक लोग कैसे रहेगी मोह होता है हमारा तो कैसे नहीं है भैया इतनी वीडियो देख ली है तो पूरी वीडियो देखा देख लो वीडियो पसंद तुम्हें का पसंद आया वैसे लेकिन कह दीजिए लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए कहा कि हमें हर जगह के ब्लॉग डालने से आपके तो देखो कहाँ है भैया जी आ गए PSC को पेपर देखें बाल बच्चे अब अपने जाना तो सवाई मिलने रहे अपने कहे ब्रो तो मैं सवाई आज कम मिली है नहीं आज कम हम बैठे संगे सो नहीं देव जी आओ चेत सही अपने आकाश भी हुई नहीं मगे हैं ये ना भाई आकाश को मैं दिखा रहा हूँ पूजा दिखा रही हूँ हाँ लगा लेते हैं अभी लगा ले वाले आप असिस्टेंट नवजी बच्चा है पी भाई देखें आ गए ना खाने घोड़ा चौक आ गए हैं जो है अस्पताल अपनो जो ही नहीं हो पा रहा फिर डाक खाने फिर स्टैंड फिर डाक खाने फिर स्टैंड इतनी तेज झाड़े लगी पवन में इतनी तेज झाड़े इतने जैसे लग सकते झाड़े लगती बहुत भयंकर नहीं तो हैं सो इतने आज बेचारे सवाई नहीं मिल रही आज मुझे कैसे बिठाया जाए तुम खुल बिठाया जाए आदमी अब 12:30 हो गए अच्छे से कैसे हुआ ना वही लग रहा हूँ आँखें बहुत जल रही इतने चपावन में इतनी तेज झाड़े लगती कि क्या बताएं उसमें नहीं तुम गर्मी में तुम घर रहेंगे तो नहीं सही मजाक नहीं कर रहे तुम्हारी फिल्म बन जाए एक आदना बहुत ही भयंकर 42 डिग्री टेम्परेचर है पे देखो मैंने मोबाइल पे 42 डिग्री में इतनी तेज झाड़े नहीं खुल हुआ है ना जब पूरा आगे से सकल के 13 बजे आए 10 बजे रात होगा फिर हमारे रिलीज हो जाना फिल्म हट्टी सीरीज पे लो भैया नंबर 2 स्टैंड इतनी तेज तपाई जा कि पाँव कहूँ भी छह बजाओ छह बजा तो झाड़ छूट रही हो बल मैं तो लगा फालतू में चूतिया होगा ना यार लेकिन पूछ 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 पूछ
कहाँ जाने? पांचवाड़ी ढाबा के आगे जाना तेरा कहाँ? नहीं तो तुम पैसा पहले नहीं तुम सोच के पैसा है वो चिल्ला दे रहा हूँ मैं को ध्यान दई कहते मैं पर्ची दाबे रहा हूँ पर्ची तो मैं अपने मन से ना खाली तुम्हारे से बैठा के ले आया है तुझे ऐसा थोड़ी चोरी से बढ़ के है जो चोरी से बढ़ के तुम से लो ले आए थे कहे पैसे नहीं है हम लोग बताओ क्या पैसे नहीं है हम लोग कहा क्या है कौन है तुम्हारा है अरे घर में वो है हैं घर है वो या चमला के आगे है 6 किलोमीटर अबे तुम्हें तो कहाँ होते जो बताओ अरे वो जो गट्टी प्लांट लाग है हाँ सीएम राज कॉलेज बनत है हाँ वहाँ जाएगा कहाँ कहाँ माय कर रखे हैं तो मुनीम से पैसा ले कर जाएगा सही है तुम्हारा मुनीम से पैसा लेके वाके पैसे देंगे जो सही है पहले हम तो ये काम पे तो तुम कहे का जाइया तो हम पैसा दे अपने तो भैया मैं दाइन हो ना कब दे दो पैसा दो तो मैं लौट के दे दो ना यार अच्छा लौट के हम खड़े हैं तेरे तक तो भैया कितना टाइम लागे मुझे लागे आधा घंटा या थोड़ी है कि मैं बेईमान हो गया तो पैसा मगा तुम बहुत ईमानदार हो तुम कौन तो पहले हां ईमानदार कहते थे तो समझ ले कि जब मैंने पैसा ले पाए अच्छा हां जब तो सीट तक लाए पैसा नहीं मांगा सुबह हमारी गलती है तो मैं देखो नहीं है हां हमारी गलती कहाई बा गलती हमारी कहाई है हमने ध्यान नहीं दे पाओ हां बताओ खाली तुम उतरे से बैठा के तेरा ले आया तुम मैं कहा था तुम आज तुम उठा थैला उठाओ जाओ अपना थैला उठाओ जाओ तुम थैला उठाओ में जाना है अब काम करने उठा तेरा फोन से बात करन दे अरे होगी बात चलो बड़ा हस्बैंड बड़ा फोन से बात कर रहे जो कह रहे बड़ा इसे तो भीग मांगने लगो बताओ बचाओ इस गर्मी में तपा पड़े हैं थे ऐसी गर्मी में परेशान हो गए रक्षा चला हुए और जहीं से जी कह लो पैसे ही ले अपने मन से आदमी तेरा सहम नहीं हो तो बताओ वो ले रहे हैं सो तो भैया हाँ पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि आज 10 बजे रात तक रिक्शा नहीं चलाना उन्हें कैसे आज बहुत तो भयंकर गर्मी है और सवारी उन्हें मिल रही है देखो खाली रख सजा रहा खाली और उसे सब चूत गया सोते से मिठा लिया स्टैंड से चलो और फिर क्या पैसे नहीं है मैं तो ऐसी हालत है तो बस मैंने कह रहे हैं कि आप आज नहीं रख सजा रहे आज वैसी आराम करते हो तो बस 10 बजे तक तो हमारा भी सिस्टम खत्म है तो भैया हर जो भी लोग तना मना की में मजा आओ जैसे भी जो भी अच्छे लगो हुए पसंद आओ तना मना की तो वीडियो भैया लाइक करने हैं और चैनल सब्सक्राइब कर भैया कहा है कि अब इतना मना हम ब्लॉग बोरिंग हो सकत लेकिन हमेशा ऐसे बोरिंग ना रहे धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ाएं हम कंटेंट भी अच्छे डाल रहे इसे वीडियो हम लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल ये देखो सिर्फ बाट का कितना सुंदर बस 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 सिर्फ बाट का छोड़ रहे सवारी के हमने हमने जहाँ हालत बना ली अपनी यहाँ पे कैसे बैठना ये घर जा रहा जल्दी पहुँचा है बस हम उन्हें कर रहे हैं भैया और सीधे घर है बस सीधे घर है ठीक है बीच में कहीं नहीं रुक रहे अब हमें अब जिंदगी में नहीं आऊँ हमारा मोबाइल भी कर लो कि भैया मोबाइल है कूल डाउन करो कहा कि इतना टेम्परेचर है ऊपर ऊपर से वीडियो बना रहा है सब फिल्म बनी जाए मोबाइल की और संग फिल्म हमारी बन रही अब सीधे पशु है चल रहे ठीक है बढ़िया सोन है कूलर चला गए हर भैया ठीक है तो फिर जय सिया राम